नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारतीय सेना की ओर बढ़ेगी ताकत। M777 होवित्जर तोपों के लिए नए गोलों का होगा परीक्षण। भारतीय सेना ने देश की उत्तरी और उत्तर पूर्व सीमा पर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को तैनात किया है। 155 mm की ये तोपे जहां तैनात की गई हैं, वहां से पाकिस्तान और चीन दोनों पर निशाना साधा जा सकता है। फिलहाल इस तोप में जो गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वे किसी भी मौसम में 24 से 40 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। लेकिन जल्दी ही इसमें और सुधार करने की तैयारी है। M777 तोपों के लिए जो नए तरह के गोले लाए जा रहे हैं, उन्हें लॉन्ग रेंज मैन्यूवरिंग प्रोजेक्टाइल यानी LRMP कहा जाता है। ये तोप की नली से गोली की तरह निकलते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में विमान की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इनमें से पंख जैसी आकृति निकलती है, जो इसकी दिशा बदलने में मदद करती है। इन गोलों का निर्माण जनरल एटॉमिक्स कंपनी ने किया है और इसका परीक्षण इसी महीने के अंत तक होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बड़ी नाराजगी, येदियुरप्पा के सहारे बीजेपी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी बढ़ने की खबरें आ रही है। ये नाराजगी पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही सतह पर आ रही है। माना जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की भूमिका और ज्यादा प्रासंगिक होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत में कर्नाटक भाजपा में संभावित विद्रोह को शांत करने के लिए कहा है। इस बीच टिकट कटने पर उडुपी से विधायक रघुपति भट्ट ने नाराजगी जताई है और कहा कि पार्टी ने उनके साथ जो व्यवहार किया है, उससे उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। मीडिया के साथ बातचीत में वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। महाराष्ट्र में अजीत पवार को लेकर सियासी अटकलें तेज, भाजपा से नजदीकी के लग रहे कयास। महाराष्ट्र में NCP नेता अजीत पवार ने जब से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है, तब से कई तरह की सियासी अटकलें लगने लगी हैं। अजीत पवार ने कहा था कि कांग्रेस के चलते ही महाविकास अघाड़ी में दरार आई है। NCP नेता का यह बयान ऐसे समय आया है जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात के चर्चे हो रहे हैं। बताया जाता है कि NCP नेता अजीत पवार ने CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में सहयाद्री गेस्ट हाउस में मुलाकात की थी। इसके बाद से अजीत पवार की भाजपा से करीबी की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य NCP में उज्जवल है और उनके भाजपा में जाने का कोई सवाल नहीं है। मौसम का फिर बदलेगा मिजाज, 11 राज्यों में बारिश के आसार, दिल्ली में चढ़ेगा पारा। देश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। अधिकांश राज्यों में जहां तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है, तो वहीं 11 राज्यों में बारिश की आसार बन रहे हैं। हालांकि अगले दिनों में राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 और 39 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आगामी 18 अप्रैल तक दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक चक्रवाती परिसंचरण बन रहा है, जिससे कल से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मौसम में बदलाव आने की संभावना है। इसके प्रभाव के चलते गरज चमक के साथ गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में 15 और 16 अप्रैल को गरज बिजली के साथ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 को, कई राशियों पर असर पड़ने की संभावना। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल अमावस्या को सुबह 7:04 पर शुरू होगा और दोपहर 12:29 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होने वाला है, लेकिन इनमें से 4 राशि के जातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे उनकी सेहत, करियर और आर्थिक पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। मेष
राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है। वृषभ राशि वालों को धन की कमी हो सकती है क्योंकि फिजूल खर्च के कारण बचत कम होगी। इससे बचने के लिए फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करें। इसके साथ ही क्रोध और वाणी पर संयम रखना होगा। कन्या राशि वालों को कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के जातकों को निवेश और नौकरी में अपेक्षित सफलता मिलनी मुश्किल होगी। ताइवान पर शिकंजा कसने की तैयारी में चीन, उत्तरी एयर स्पेस बंद करेगा ड्रैगन। चीन ने नॉर्थ ताइवान के एक हिस्से में 16 से 18 अप्रैल के बीच एयर स्पेस बंद रखने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस दौरान सिविलियन फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगी। फ्लाइट बैन से इस इलाके का करीब 70% एयर ट्रैफिक बाधित होगा। इसका असर साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ेगा। खास बात यह है कि पिछले दिनों चीन के 172 फाइटर जेट्स ने इसी इलाके में मिलिट्री ड्रिल की थी। इसके बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने ड्रिल की जिसमें ताइवानी एयरफोर्स के कमांडोज को खास तौर पर शामिल किया गया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि चीन दबाव डालने के लिए ताइवान के खिलाफ छोटा ऑपरेशन कर सकता है। फिल्म जवान से नयनतारा करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, शूटिंग में नजर आए शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की शूटिंग करते नजर आए। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर एटली और फराह खान भी साथ नजर आए। फिल्म जवान के जरिए नयनतारा बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म जवान के क्रू ने मुंबई सी लिंक पर किसी गाने की शूटिंग की है। इस दौरान शाहरुख खान व्हाइट पैंट और ब्लैक जैकेट में नजर आए। फराह खान फिल्म के इस गाने की कोरियोग्राफी कर रही हैं। हालांकि नयनतारा शूटिंग के सेट पर मौजूद नहीं थी। शाहरुख के अनुसार नयनतारा कई भाषाएं जानती हैं। फिल्म जवान में सुनील ग्रोवर भी लीड रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा विजय सेतुपति, योगी बाबू, प्रिया मणि और सानिया मल्होत्रा की भी प्रमुख भूमिका होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।